नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव सर, आपका जीव विज्ञान शिक्षक, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक के हल की। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि आगामी कुछ समय में बोर्ड परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, और बोर्ड परीक्षा स्टार्ट होने के पहले हमें इस प्रश्न बैंक के सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आज हमने स्टार्ट किया है जीव विज्ञान का फर्स्ट यूनिट के पहले अध्याय को, और पहला अध्याय का नाम है जीवों में जनन। इसमें अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट के अनुसार प्रश्न दिए गए हैं, तो उनको हम हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, बडिंग के द्वारा जनन किसमें होता है, और आपके ऑप्शन है ईस्ट, पेनिसिलियम, पैरामीशियम या इनमें से सभी। अगर हम मुकुलन क्या होता है सबसे पहले उसकी बात कर ले, तो मुकुलन वह प्रक्रिया होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वह प्रक्रिया होती है जिसमें जंतुओं के शरीर में, जीवों के शरीर में, यहाँ जंतु शब्द इस्तेमाल किया है लेकिन जीव की बात करो, जीवों के शरीर में एक उभार नुमा संरचना बनती है, और ये उभार नुमा संरचना जिसको हम बर्ड्स कहते हैं, कलिका कहते हैं, और यही कलिका विकसित होकर एक नई संतति को निर्मित करती है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है मुकुलन या बडिंग। ईस्ट में, पेनिसिलियम में बडिंग की प्रक्रिया होती है, लेकिन पैरामीशियम में बडिंग नहीं होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है और इनमें साथ में दिया है इनमें से सभी, तो हमको इसमें लगाना पड़ेगा इनमें से सभी। इसका जो सही जवाब होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर दो है, अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या होती है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या एक होती है। तीसरा क्वेश्चन है, निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है। निषेचन के बाद अंडाशय जो है पूरा का पूरा अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन अंडाशय के अतिरिक्त जब कोई अन्य भाग फल में परिवर्तित होता है तब ऐसे फल को जो है मिथ्या फल कहा जाता है, जैसे कटहल। चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसमें मासिक चक्र पाया जाता है, और आपके ऑप्शन है चूहा, बंदर, गाय और भेड़। देखिए यहाँ प्रश्न बैंक के अनुसार जो देखे तो उन्होंने इसका सही आंसर लगाया है गाय, लेकिन गाय में मासिक चक्र नहीं पाया जाता है बल्कि बंदर में पाया जाता है, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो अमीबा एवं जीवाणु जैसे एक कोशिकी जीवों में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि जनक का शरीर संततियों में विकृत हो जाता है, अर्थात उनके वो जब विभाजन करते हैं तो विभाजन करने के दौरान क्या होता है कि अपने शरीर को दो भागों में बांट देते, मतलब प्रत्येक संतति में उनके शरीर का आधा हिस्सा चला जाता है। चलिए आगे देखते हैं, निषेचन होता है, बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन किसे कहते हैं कि जब निषेचन की प्रक्रिया शरीर के बाहर होती है, मेल और गैमेट का फ्यूजन शरीर के बाहर होता है, जल में होता है, तब इस प्रकार की प्रक्रिया को हम बाह्य निषेचन कहते हैं। और ये यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से देखें, पक्षियों में, सरीसृप में, स्तनियों में और उभयचर में, तो इसका सही जवाब होगा उभयचर में। इसके बाद बात करें चौथे प्रश्न के, तो चौथा प्रश्न है, प्रथम क्लोन जीव है घोड़ा, हाथी, भेड़ या बकरी। घोड़ा, हाथी, भेड़ या बकरी, तो यहां पर इसका जो सही जवाब है वो होगा भेड़। न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट यान विलमुट के द्वारा सबसे पहले क्लोन बनाया गया था, और उस क्लोन को नाम दिया गया था डॉली, और ये जो डॉली थी एक प्रकार की भेड़ थी। इसके बाद हम बात करें से कौन स्पीसीज एकलिंगी है, तिलचट्टा, केचुआ, स्पंज या फीताकृमी, और इसका सही जवाब है तिलचट्टा। इसके बाद युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है या गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। मेल गैमेट के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को ओजेनेसिस, और दोनों को मिलाकर गैमेटोजेनेसिस। इसके बाद देखें 10th क्वेश्चन है, युग्मक प्राकृतिक रूप से होते हैं, युग्मक प्राकृतिक रूप से होते हैं, तो इसका जो सही जवाब है अगुणित, हैप्लाइड होते हैं, क्योंकि भाई मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा बन रहे हैं, और जब मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा बन रहे हैं तो मियोसिस सेल डिवीजन से बनने वाली जो संतति होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या, कोशिका जो होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या अपने जनक से आधी हो जाती है। चलिए अब देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न दिया है, जीएमओ का पूरा नाम है, जीएमओ, जीएमओ मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव।
ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन देखिए। जिस युग्मनज में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं वहां एक मादा शिशु में विकसित होता है, फीमेल में ये विकसित होता है। तीसरा प्रश्न देखिए, आकारिकी तथा अनुवांशिक रूप से एक समान जीव क्या कहलाते हैं? क्लोन कहलाते हैं भाई, क्लोन, या जिसको हम बोलते हैं रेमेट। और यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप जो बनने वाली संतान है उन्हें ही क्लोन कहा जाता है, क्योंकि वो अपने जनक से पूरी तरह से मिलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, जब दोनों युग्मक एक समान होते हैं तो वे खालिस्तान कहलाते हैं, और इसका सही जवाब है समयुग्मजी, आइसोगेमी, आइसोगेमस। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, अधिकांश जलीय जीवों में खालिस्तान निषेचन होता है। जलीय जीव, जितने भी जलीय जीव होते हैं उनमें जो है वो मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि वो अपने गैमेट्स को जल में मुक्त कर देते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति की भी बात हो गई। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाक्य में उत्तर लिखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अब जरूरी नहीं कि एक ही वाक्य हो, या एक शब्द भी हो सकता है, एक वाक्य भी हो सकता है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, या इसे हम 23 पेयर्स भी कह सकते हैं। अब अगर यहाँ पर प्रश्न हो जाता कि नर मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, तब आपको लिखना पड़ता 22 पेयर धन एक्स वाई, ठीक है, और फीमेल में लिखते 22 जोड़ा धन एक्स एक्स। ओके, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि वो गुणसूत्रों की संख्या हमेशा फिक्स होगी 46। हाँ, मेल में कौन कौन से पाए जाते हैं तब थोड़ा सा ये, या फीमेल में कौन कौन से पाए जाते हैं तब ये हमारा आंसर थोड़ा सा चेंज होता। आगे देखते हैं कि पुष्प का कौन सा भाग बीज बनाता है, पुष्प का कौन सा भाग बीज बनाता है, और इसका सही जवाब है बीजांड। इसके बाद फलों की बाहरी भित्ति क्या कहलाती है, फलों की जो बाहरी भित्ति होती है वो एपिकार्प कहलाती है, क्या कहलाती है? एपिकार्प कहलाती है। फिर सूक्ष्म प्रवर्धन की तकनीक क्या है, सूक्ष्म प्रवर्धन की तकनीक क्या है, इसको हम कायिक भ्रूण जनन भी कहते हैं, कायिक भ्रूण जनन भी कहते हैं। ये समझ लीजिए कि पौधे के शरीर के जनन अंगों को छोड़कर, जनन अंगों को छोड़कर शरीर के किसी भी भाग से, सूक्ष्म भाग से बहुत सारे पौधों को निर्मित करने की जो प्रक्रिया है वो सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है, माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाता है, किसी कोशिका ऊतक या अंग से बहुत सारे पौधों को निर्मित करना। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, जीवन अवधि क्या है, जीवन अवधि जिसको हम जीवन काल भी कहते हैं, या जन्म से मृत्यु तक की अवधि भी कहते हैं, अलग अलग जीवों की जीवन काल अलग अलग होता है। चलिए अब हम आ जाते हैं 2 नंबर के प्रश्नों पर। अब पहला प्रश्न दिया हुआ है कि कायिक प्रवर्धन क्या है, ठीक है, कायिक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसको कहा जाता है, कायिक प्रवर्धन क्या है, 2 उदाहरण लिखिए। देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है कि किसी पौधे के वर्धी भाग, वर्धी भाग जनन अंगों को छोड़कर, किसी पौधे के वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती द्वारा नया पौधा तैयार होना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। यह अलैंगिक जनन का ही एक रूप होता है, जिसमें पौधे के केवल वर्धी भाग ही भाग लेते हैं। भाई अगर मान के चलिए आपने कोई गुलाब की कलम लगा दिया तो वो क्या होगा, कलम क्या है, एक वर्धी भाग से बना हुआ है, तो उसके द्वारा एक नया पौधा विकसित करना कायिक प्रवर्धन कहलाएगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, जैसे अदरक, अदरक क्या है, एक प्रकार का प्रकंद है। वहीं पर ब्रायोफिल्लम, ब्रायोफिल्लम में आपको मालूम है कि पत्ती से जो है, पत्ती में जड़ें निकल जाती हैं और एक नया पौधा बन जाता है। तो कायिक प्रवर्धन समझ में आ गया आपको, कि पौधे के किसी वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती द्वारा नया पौधा तैयार करने की विधि कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इसके बाद दूसरे प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है ऋतु स्राव चक्र को समझाइए। तो ऋतु स्राव चक्र क्या होता है, इसको अगर हम देखें तो मादा प्राइमेट्स जैसे बंदर, लंगूर एवं मनुष्य आदि में अंडाशय प्रजनन मार्ग एवं हार्मोन श्रावण में चक्रिक परिवर्तन होते रहते हैं, फलस्वरूप गर्भाशय का अंतः स्तर कुछ रुधिर के साथ रज स्राव के रूप में बाहर निकलता है। यह प्रक्रिया ऋतु स्राव चक्र कहलाती है, इसको मासिक धर्म भी कहा जाता है, एमसी पीरियड भी कहा जाता है। तो यहां पर देखिए एक प्रश्न का उत्तर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसका उत्तर यहीं पर मिल जाता है, बंदर, लंगूर एवं मनुष्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा ऋतु स्राव चक्र या मासिक चक्र बंदर में पाया जाता है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न।
उभयलिंगाश्रयी एवं एक लिंगाश्रयी को परिभाषित कीजिए। उभयलिंगाश्रयी और एक लिंगाश्रयी को परिभाषित कीजिए। तो उभयलिंगाश्रयी जब एक ही पौधे के ऊपर नर एवं मादा दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं तब उन्हें उभयलिंगाश्रयी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि जब एक ही पौधे के ऊपर नर एवं मादा दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं तो उन्हें उभयलिंगाश्रयी कहा जाता है। कुकरबिटेसी फैमिली के सदस्यों में इस प्रकार के उदाहरण बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। अब एक लिंगाश्रयी, जब नर एवं मादा पुष्प अलग अलग पौधों में होते हैं तब उसे एक लिंगाश्रयी कहते हैं। जैसे कि पपीता, पपीता में आपने देखा होगा कि मेल फ्लावर, मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुनर्उद्भवन उदाहरण क्या है, उदाहरण दीजिए, या रिजेनरेशन क्या है, रिजेनरेशन का मतलब क्या है भाई, उसको समझ लीजिए। देखिए जंतु का जब यहाँ पर एक हमेशा ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे लोगों को रीजेनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में अंतर हम समझ नहीं पाते हैं। रीजेनरेट होना, पुनर्उद्भवित होना, जब शरीर का कोई भाग टूट जाता है या जब शरीर का कोई हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है और उस हिस्से के स्थान पर जब वही भाग पुनः बन जाता है तब इस प्रक्रिया को हम रीजेनरेशन कहते हैं, पुनर्उद्भवन कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा छिपकली, छिपकली छिपकली में होता क्या है कि अगर मान के चलो किन्हीं कारणों से उसकी पूंछ टूट जाती है या पंजा टूट जाता है तो उसके स्थान पर एक नया पंजा या नई पूंछ का निर्माण हो जाता है और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुनर्उद्भवन कहलाती है। अब यहाँ पर प्रश्न को देखिए, यहाँ उत्तर देखिए, तो वह प्रजनन जिसमें जंतु का शरीर किन्हीं कारणों से कई टुकड़ों में कट जाता है या काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक नया जंतु बनाता है, जंतु की यह विधि पुनर्उद्भवन कहलाती है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा क्योंकि ये जो परिभाषा दी गई है ये उतनी उचित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कली का निर्माण की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही मुकुलन या कली का निर्माण को पढ़ा था, बडिंग को पढ़ा था कि प्रजनन की इस विधि में वयस्क जीव के शरीर पर पहले एक उभार बनता है और जिसे कलिका कहते हैं और यह विकसित होकर एक पूर्ण विकसित जीव बना लेता है। अब देखिए हाइड्रा का डायग्राम है और इस हाइड्रा के डायग्राम में ये वयस्क है और वयस्क के शरीर पर क्या बना है, एक उभार नुमा संरचना बनी है और इस उभार नुमा संरचना को बर्ड्स कहते हैं। अब ये बर्ड्स धीरे धीरे ग्रो कर रही है, ठीक है, धीरे धीरे ग्रो कर रही है और जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है तो मूल शरीर से ये अलग होती है और एक नए जंतु के रूप में, एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, कली का निर्माण कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे, तो आंतरिक निषेचन क्या है, उदाहरण सहित समझिए, बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। निषेचन की वह प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा युग्मकों का संलयन अर्थात निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। जैसे सरीसृप हो गया, पक्षी हो गया, स्तनी में ये निषेचन की जो क्रिया है वो कैसी होती है, आंतरिक निषेचन होती है, शरीर के अंदर होती है। अब युग्मक, सातवां प्रश्न है, युग्मक स्थानांतरण को संक्षेप में लिखिए। देखिए युग्मक स्थानांतरण भाई, निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए नर युग्मक का मादा युग्मक तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, युग्मक स्थानांतरण कहलाता है, गैमेट ट्रांसफर कहलाता है। आपको मालूम है कि जो नर युग्मक होता है वो कैसा होता है, मोटाइल होता है, सचल होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, लेकिन मादा युग्मक कैसा है, नॉन मोटाइल होता है, अचल होता है। तो युग्मक स्थानांतरण केवल इतना आपको लिखना है कि निषेचन की प्रक्रिया को पूर्ण कराने के लिए नर युग्मक का मादा युग्मक तक पहुंचने की क्रिया युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। आठवां प्रश्न है, बीजाणु जनन को संक्षेप में लिखिए, बीजाणु जनन या बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, बीजाणु अत्यंत सूक्ष्म एक कोश की अलैंगिक संरचनाएं होती है जो जनक से अलग होकर अंकुरित होकर एक नया जीव को जन्म देती है। तो बीजाणु बनने की क्रिया बीजाणु जनन कहलाती है। आप इतना भी लिख सकते हैं कि बीजाणु बनने की क्रिया बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, खंडन विधि क्या है, फ्रेगमेंटेशन जिसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जब किन्हीं कारणों से किसी जीव का शरीर अनेक टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक नए जीव को बनाता है तब इस विधि को हम खंडन या फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। प्लाज्मोडियम में ये
बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। प्लेनेरिया में भी उसके शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया जाता है, तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर जो है एक नया जीव बना लेता है, तो ये कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये अभी तक हमने जितने भी प्रश्न देखा ये 2 नंबर के प्रश्न थे, अब हम 3 नंबर के प्रश्न की बात करें। जू स्पोर तथा युग्मनज में अंतर लिखिए, पहले दोनों को समझ लें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न आया था बीजाणु जनन को समझाइए, बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया। और बीजाणु क्या है? एक अत्यंत सूक्ष्म संरचना है, ठीक है, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप बनती है। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए, अब भाई गोल संरचना है, अब ये गोल संरचना है और उसमें फ्लैजिला उत्पन्न तो हो जाते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, तब हम इसको बोलते हैं जू स्पोर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जू स्पोर जो है अलैंगिक रिप्रोडक्शन के दौरान बनने वाली संरचना है, ठीक है। लेकिन युग्मनज क्या है, जिसको हम जायगोट बोलते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने से जो बनता है उसको हम क्या कहलाते हैं, कहते हैं जायगोट कहते हैं। तो जायगोट कैसा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान पाई जाने वाली संरचना। तो दोनों में पहला अंतर समझ में आ गया आपको कि जूस्पोर अलैंगिक प्रजनन के दौरान बनने वाली संरचना, जायगोट मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनने वाली संरचना होती है। अब दोनों में दोनों कैसे होते हैं? जूस्पोर जो है, चूंकि ये कैसा होता है, अगुणित होते हैं, ठीक है, अगुणित संरचनाएं हैं, जबकि युग्मनज कैसा, द्विगुणित संरचना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनना है, इस कारण से ये कैसा है, ये है डिप्लॉय। जू स्पोर में एक ही जनक के लक्षण होते हैं। जू स्पोर में एक ही जनक के लक्षण होने का मतलब क्या है भाई? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहा है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा एक ही जनक भाग लेता है, तो एक ही जनक के लक्षण होते हैं, जबकि जायगोट में 2 जनकों के लक्षण इसमें आ जाते हैं। तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर देखिए कि ये चल होते हैं। जू स्पोर कैसे होते हैं? चल होते हैं, सीलिया या कसाबिका पाए जाते हैं, जो चलने में मदद करते हैं, तैरने की बजाय में चलने में मदद करने की बात करूंगा। जबकि जायगोट कैसे होते हैं? अचल होते हैं, एक स्थान पर फिक्स हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में अंतर देखिए। देखिए ये बहुत आसान सा प्रश्न है, इसे आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं कि अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेता है, लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन में पूरा का पूरा शरीर या एक कोशिका जो है एक प्रजनन इकाई के रूप में कार्य करते हैं, जबकि लैंगिक प्रजनन में जो प्रजनन इकाई होते ही युग्मक होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। अलैंगिक प्रजनन में बनने वाली संतान जो है वो अपने जनक के पूर्णतः समान होती है, जबकि लैंगिक प्रजनन में बनने वाली संतान अपने माता पिता से भिन्न होती है। अलैंगिक प्रजनन में समसूत्री विभाजन होता है, जबकि लैंगिक प्रजनन में समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे अंतर हैं, बड़े सिंपल से अंतर हैं, इनको आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्लोन क्या है या दूसरी संतति से कैसे भिन्न। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अलैंगिक प्रजनन के द्वारा जो संतान बनती है वो संतान क्या है? क्लोन है। वो अपने जनक से अनुवांशिक रूप से और आकारिकी रूप से समान है, इस कारण से हम उसको क्या कह रहे हैं? क्लोन कह रहे हैं, रेमेट कह रहे हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति की बात करें, सामान्य दूसरे जीव की बात करें, जंतु की बात करें, तो वो कैसा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है, अर्थात वो अपने माता पिता से कैसा है? भिन्न है। तो यही बात है कि क्लोन कैसे होंगे? अपने माता पिता के समान होंगे, लेकिन जो दूसरे जीव से कैसे होंगे? ये भिन्न होंगे। जीवों में जनन क्यों आवश्यक है? कि भाई सिंपल सी बात है, जनन के द्वारा ही जीवों की निरंतरता बनाई रहती है, इस कारण से जनन आवश्यक है। प्रत्येक जीव निश्चित अवधि के पश्चात मृत हो जाता है, किंतु उसके पूर्व जनन क्रिया द्वारा नई संतति का निर्माण कर देता है। यही कारण है कि हजारों वर्षों से पृथ्वी पर पादपों एवं पशु पक्षियों की विभिन्न जातियों की विशाल संख्या बनी रहती है। ओके, अब चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं, और वो प्रश्न क्या है? कौन सा निषेचन अधिक प्रांगत है, बाह्य निषेचन या आंतरिक? आंतरिक निषेचन या बाह्य निषेचन में कौन श्रेष्ठ है, ये आपको बताना है। तो देखिए, निषेचन की 2 विधियां होती है, आंतरिक निषेचन है और बाह्य निषेचन, ये हमको मालूम है। निषेचन की आंतरिक विधि ज्यादा प्रांगत है, क्योंकि अब वो क्यों है इसको अपने को समझना है, क्योंकि आंतरिक निषेचन की संभावना अधिक होती है तथा युग्मक के संलयन के लिए प्रतिकूल माध्यम उपलब्ध होता है, अतः बाह्य निषेचन की निम्न हानि है। ओके, यहां पर समझना ये है कि निषेचन 2 प्रकार का, आंतरिक और बाह्य निषेचन। तो जो बाह्य निषेचन होता है उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है, तो उन डिफिकल्टीज को हम समझते हैं कि कौन कौन सी डिफिकल्टीज
हो सकती है। तो यहां पर देखिए, तो युग्म, पहली चीज, बाह्य निषेचन कहाँ पे होता है? जल में होता है। जल में होता है इसका मतलब यह है कि जल हवा के साथ जल की धारा इधर उधर जब बह होती है तो युग्मक भी इधर उधर हो जाते हैं, उनके आपस में मिलने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, पहली बात, युग्मकों की सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं होता, अनेक अंडे शुक्राणु जल की धारा में बह जाते हैं अथवा प्रतिकूल ताप रसायन आदि के कारण नष्ट हो जाते हैं। दूसरा कारण देखिए, अंडों का निषेचन होना निश्चित नहीं होता, केवल संयोग वश ही वह संभव हो पाता है। तीसरा, कुछ अंडों के निषेचन होने के पूर्व परभक्षियों द्वारा भक्षण कर लिया जाता है। चौथा कारण यहां पे बताया गया है कि निषेचन से पश्चात बनने वाली संतुतियों की संख्या अधिक होती है लेकिन इनकी सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं होता। ये कुछ ऐसे कारण हैं जो बाह्य निषेचन को डिसएडवांटेज देते हैं, और ये सारी की सारी चीजें जो है आंतरिक निषेचन में नहीं होती, इस कारण से आंतरिक निषेचन कैसा होता है? श्रेष्ठ होता है। फिर एक और क्वेश्चन दिया है, यद्यपि आलू का कंद भूमिगत है फिर भी इसे तना माना जाता है, क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर देखें कि आलू का कंद भूमिगत है फिर भी इसे तना माना जाता है क्योंकि आलू के कंद पर पाए जाने वाली आलू की आंखें पर्व संधियों को दर्शाती है, अतः इन्हीं में कलिकाएं स्थित होती है। आलू की प्रत्येक आंख कलिका द्वारा एक नए पौधे को जन्म देती है। भाई, पर्व एवं पर्व संधियों का पाया जाना तने की विशेषता है। ठीक है, किसकी विशेषता है? तने की। और पर्व एवं पर्व संधियां किस में पाई जा रही है? आलू के कंद में पाई जा रही है, इस कारण से वो कैसा है? तना है। चलिए आगे देखते हैं, ब्रायोफाइटा में वर्धी प्रजनन को समझाइए। अब ये जरा इस प्रश्न पर अगर आप ध्यान दें तो ब्रायोफाइटा में वर्धी जनन, यह प्रश्न एक्चुअल में यहाँ ब्रायोफाइटा ना होकर क्या है? ब्रायोफिलम है। तो ब्रायोफिलम में किस प्रकार से वर्धी जनन होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। आपको मालूम है कि ब्रायोफिलम की जो पत्तियाँ होती है, पत्तियों जब किन्हीं कारणों से भूमि पर गिर जाती है और अनुकूल परिस्थितियाँ हैं तब ऐसी अवस्था में उसमें जड़ें उत्पन्न हो जाती है और जड़ें विकसित होकर एक नए पौधे को जन्म देती है। तो इस प्रकार से ब्रायोफिलम में कहना चाहिए जनन होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने प्रश्न बैंक में दिए हुए अध्याय एक के सभी प्रश्नों को आपने देखा है। उम्मीद करूंगा कि यह आपको समझने में जो है आसानी जाएगी, आपके अध्ययन के लिए सुविधाजनक होगा। फिर मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।